तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? मेरी वॉइस क्लियर है? बताएंगे, वॉइस क्लियर है आप सभी के लिए कि नहीं? ओके जी, गुड मॉर्निंग. और ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात. तो गाइस, हम बात कर रहे थे नरेशन टॉपिक के ऊपर, हम पहुंचे थे, ठीक है. और नरेशन में जो है, हमने जो टू टाइप्स आते हैं नरेशन के, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है. तो उसमें अगर किसी को कोई डाउट है, तो सबसे पहले तो आप मुझे वो बताएंगे कि नरेशन के जो हमने दो टाइप किए थे, यानी कि असर्टिव जो हमारी नरेशन थी वो हमने देखी, उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव, हमारे पास जो सेंटेंसेस आते हैं वहां पर भी हमने नरेशन के बारे में पढ़ा. तो आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है नरेशन में. फिर हम, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे और आज हम करेंगे नेक्स्ट टाइप. ओके, प्रियंका जी कह रही हैं क्लियर है उन्हें, ठीक है. बाकी सभी को भी क्लियर है? तो फटाफट से हैशटैग सेंड कर देंगे सभी को. अगर क्लियर है, जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, फटाफट से हैशटैग. ओके सुलक्षणा, हाँ जी. बाकी सारे, प्रियंका जी तो पहले ही बता चुकी थी. ओके, सिर्फ दो ही स्टूडेंट एक्टिव है इस टाइम पे क्लास में. ओके सुनीता, चलिए. ओके सुमन, गुड, ठीक है. आदित्य वी, ओके वी के वी, रजत, ठीक है, सबको क्लियर है ना? तो आज हम देखेंगे, देखिए अभी तक हमने टू टाइप्स किए, उसमें हमने देखा, इतना तो हमें सभी को पता है कि अगर पास्ट में, पास्ट की पहचान क्या है, या तो सेड लगा हुआ होगा या सेड टू लगा हुआ होगा. तो जो फर्स्ट हमारे पास असर्टिव सेंटेंस था, वहां पर हमने सेड या सेड टू को चेंज किया, हमने टोल्ड में चेंज कर रहे थे, ठीक है. इसी को देखते हैं हम. इसको हमने असर्टिव सेंटेंस में क्या किया, सिंपल दैट कंजंक्शन के साथ और टोल्ड यहाँ पर लगाया. दूसरा हमने क्या किया, जो इंटरोगेटिव था, वहां पर सेड टू को या तो आस्क्ड में या तो एनक्वायर्ड में चेंज किया, एनक्वायर्ड टू में चेंज किया, ठीक है. और ये था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस. और इसमें हमने कंजंक्शन का यूज किया, इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज किया. और इसके अलावा अगर हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली का था, तो हमने कोई इफ और वेदर का यूज नहीं किया. अब जो हम नेक्स्ट कंजंक्शन करने जा, सॉरी नेक्स्ट नरेशन का टाइप, पहले तो सेंटेंस का टाइप होता है ना, उसको करेंगे. तो वो है इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए जो प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है वो होती है टू, ठीक है. जो प्रेपोजिशन हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है, सेंटेंस होगा इंपेरेटिव सेंटेंस. और इसमें जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे हम टू प्रेपोजिशन का, ठीक है. अब देखो, जैसे मतलब जहां दैट हो रहा था, इफ वेदर हो रहा था, वहां पर अब हम टू का यूज करेंगे, ठीक है. तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात हुआ थी, तो आप मुझे बताएंगे आप क्या समझते हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जहां पर आपको मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो. यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं, तो जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं ना, जिसमें आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर आता है, इन्विटेशन आता है ना, तो वो सारे किस में आएंगे आपके पास. कमांड दी जाती है, तो वो किस में आएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है. तो कौन कौन से बताए मैंने आप लोगों को, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, कमांड आएगा, इनविटेशन आएगा, ऑर्डर आएगा. लिख देती हूँ, ऑर्डर आएगा, कमांड आएगा, एडवाइस है, इनविटेशन है एंड रिक्वेस्ट है, ठीक है. ये हमारे पास किसकी पहचान है, इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान है. अब देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया, यहां पर सेड और सेड टू में आप ईडी लगा दोगे, सेड या फिर जो सेड टू है, आपको इसको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे,
ऑर्डर का क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड, है ना। कमांड का क्या बन जाएगा? कमांडेड। एडवाइस का क्या बन जाएगा? एडवाइस्ड। इनवाइट, इनविटेशन का क्या बन जाएगा? इनवाइटेड। रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। ऐसे आपने जो है इसका यूज करना है। जैसे आपके पीछे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस था, उसमें इंक्वायर वर्ड था, तो आपने इंक्वायर्ड टू यूज किया वहां पर, इंक्वायर्ड ऑफ और इंक्वायर्ड टू, इस तरीके से आपने वो यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप यहाँ पर एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और इनवाइटेड इस तरीके से यूज करोगे। और किसी चीज के लिए अगर मना हो रही होगी ना, तो वहां पर आप यूज करोगे फॉरवेड वर्ड का। किसी चीज के लिए मना हो रही होगी ना, जैसे चोरी मत करो, मन मत, तो या फिर मना है, तो फॉरवेड वर्ड का यूज करेंगे। आगे हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे कैसे ये चीज यूज होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम, प्लीज सिट डाउन। अब देखो, पहचान होती है हर एक सेंटेंस की अपनी। असर्टिव सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें यहाँ पर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना। यानी कि आपका या तो वो नाउन से स्टार्ट होगा, या तो वो प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच भी। उसमें ये वाला भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो करता है, ये वाला भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो करता है, और लास्ट में उसमें फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें सबसे पहले या तो WH फैमिली का कोई मेंबर लगा हुआ होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, या यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होगा सबसे पहले। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है, सबसे मेन होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन मार्क लगता है। अब है इंपेरेटिव सेंटेंस, आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्लीज वर्ड लगा हुआ, और क्या बोला जा रहा है? सिट डाउन। ठीक है, प्लीज सिट डाउन, तो यहाँ पर क्या की जा रही है? रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर यहाँ पर प्लीज वर्ड नहीं होता तो क्या होता? सिट डाउन, तो यहाँ पर आप ऑर्डर दे रहे होते, तब आप बोलते यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, ठीक है, तब क्या हो जाता है? यहाँ पर ऑर्डर वर्ड का यूज हो जाता। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर सेंड टू का चेंज हो जाएगा आपका सिंपल रिक्वेस्टेड में, तो क्या होगा आंसर? आई रिक्वेस्टेड हिम, I requested him to। अब यहां पर प्लीज रिमूव कर देंगे हम, सिंपल क्या हो जाएगा? टू सेट डाउन। जब हमने सिंपल बनाना है इसका, आई रिक्वेस्टेड हिम टू सेट डाउन, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, करिए चेंज, बिल्कुल इजी है। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। अब आपको पता होना चाहिए ना कि किस में आप ऑर्डर दे रहे, करती तो आपकी एग्जाम में ऑप्शन भी हेल्प करती है, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लीज वर्ड था, तो ये हमारे लिए रिक्वेस्ट की तरह काम कर रहा था। अब यहाँ पर वर्क हार्ड है, आप किसी को बोल रहे हो, आप किसी को बता रहे हो, तो वर्क हार्ड करो। आप किसी को सलाह दे रहे हो, तो आप उसमें क्या यूज करोगे बताएंगे जरा? कौन सा वर्ड यूज करोगे? आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, वेरी गुड प्रियंका, आई एडवाइज हिम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई चेंज करना है किसी में, आपको सिंपल जो है वो जैसे आपके पास चीजें आ रही हैं वैसे ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, माई मदर सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। इसको चेंज करिए, क्वेश्चन लिख देती हूँ, माई मदर सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। माई मदर सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई, क्या होगा इसका चेंज? माई मदर सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। अब देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है, मना की जा रही है कि कब मेरी मदर ने मुझे कहा कि कभी झूठ मत बोलो, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सेड टू का चेंज आप किस में करेंगे बताएंगे मुझे जरा?
टू का चेंज किसमें करेंगे? आपकी ऑप्शन देख के बात होती है। अगर मान लो यहाँ पर एक तरीके से सलाह दी जा रही है, लेकिन अगर एडवाइस वर्ड के अलावा आपके पास फॉरवर्ड भी ऑप्शन में है ना, या फिर एडवाइस नहीं है, फॉरवर्ड ही ऑप्शन में है, तब आप इसका क्या करोगे? फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हो, और फॉरवर्ड में हो सकता है एडवाइस भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। तो मैंने तो फॉरवर्ड लिखा है यहाँ पर, आई माई मदर फॉरवर्ड मी टू नॉट टेल अ लाइ, ठीक है, माई मदर फॉरवर्ड मी टू नॉट टेल अ लाइ। अब डू का यूज नहीं हम यहाँ पर करेंगे, टू नॉट टेल अ लाइ। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्या था? इम्पेरेटिव सेंटेंस था, ठीक है। इसमें इसी तरीके से हम जो है वो सारी चीजों को चेंज करते हैं और आपका आंसर जो है आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। अगर कोई कमांड वाली चीज होगी वहां पर आप कमांड करोगे यूज, अगर एडवाइस वाली बात थी तो आपने एडवाइस्ड का यूज किया, रिक्वेस्ट थी रिक्वेस्टेड का यूज किया। बोलो, और एग्जाम्पल देखने की जरूरत है यहाँ पे कि नहीं? लास्ट एग्जाम्पल देख लो, फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी। 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 इसका चेंज करेंगे फटाफट से। फादर ने मुझे कहा बुरी संगत को अवॉइड करो, दूर रहो मींस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसको स्टार्ट करेंगे। यहां पर हमने कोई चीज नहीं देखी है, सिर्फ हमने इन वर्ड्स का यूज किया है और बीच में प्रपोजिशन का यूज किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, फादर एडवाइज्ड मी टू अवॉइड बैड कंपनी। फादर एडवाइज्ड मी टू अवॉइड बैड कंपनी। फादर एडवाइज्ड मी टू अवॉइड बैड कंपनी। लीजिए, आपके सामने आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, आपने इसकी पहचान देख ली। अब हम जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको करेंगे, वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। अभी तक जो आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमास है इनको रिमूव करने के लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज कर रहे थे, अब आप अगेन जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या करेंगे? अगेन दैट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और इसमें जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास है उनको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। अब देखो यहां पर आपको किस तरीके के वर्ड्स देखने को मिलेंगे, आपको जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिनको हम बोल सकते हैं सडन फीलिंग्स जो होती है। लेकिन अगर हमें हिंदी में बात करनी है तो हम बोल सकते हैं आश्चर्य, घृणा, खुशी, इस तरीके से। लेकिन इंग्लिश में वही वर्ड्स, पहली बात इसकी जो पहचान है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, वो होती है ये वाला जो साइन है, ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आपके पास है अलास, अलास के आगे आपके पास इस तरीके का वर्ड लगा हुआ, ये साइन लगा हुआ होगा, तो ये आपके पास किसका होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आता है। अलास कब यूज करते हैं हम? जब इंसान को बहुत दुख होता है तब हम क्या यूज करेंगे? अलास वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। सौरो जो है वो भी क्या होता है आपके पास? एक साइन है। ब्रैबो है वो भी एक क्या है? साइन है। व्हाट अ फूल हम यूज करते हैं, तो ये भी आपके पास क्या है? एक्सक्लामेटरी साइन के अंदर आएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है, ठीक है। बट हो गया, या फिर आपके पास सॉरी, ये जो सौरो वाली फीलिंग है ना, एक्सक्लेम्ड विद सौरो, ये आपका सौरो एलास्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये एलास्ट का मतलब ही आपके पास तो सौरो होता है, आगे मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको बताना था हुर्रे, जो हुर्रे वर्ड है वो आपका इसके अंदर आएगा। बट मैंने आपको बताया और इसके साथ
हाउ। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सारे किसके साइन है आपके पास? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब इनका चेंज जब हम करेंगे तो एक वर्ड लगता है एक्सक्लेम्ड। क्या वर्ड लगता है? जैसे पूरे का पूरा लिखोगे आप वहां पर, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। सोरो यानी कि दुख की बात होगी तो आप यूज करोगे अलास वर्ड यूज करोगे। अलास क्वेश्चन में दिया होगा, आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो उसकी जगह पर लिखोगे। सेकेंड है हुर्रे, एक्सक्लेम्ड विद यहां पर क्या हो जाएगा, जब आपको क्या है ब्रावो वर्ड यूज हुआ है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब आपकी क्या है खुशी की बात हो रही है तो ये यूज करेंगे आप, एक्सक्लेम्ड विद जॉय वर्ड का यूज करोगे। ठीक है, ब्रावो वर्ड है तो ब्रावो के लिए आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, अपलोडेड बाय सेइंग। क्या यूज करोगे? अपलोडेड, फिर यहाँ पर डैश बाय सेइंग। क्वेश्चन को देखकर आप यहाँ पर पहले एक का यूज कर लोगे, उसके बाद ब्लैंक छोड़ दोगे, फिर उसको आगे सेंटेंस में यूज करोगे। सब कुछ बताऊंगी कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है। और जो व्हाट और हाउ है ये हो जाएगा आपके पास एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज की तरह आप यूज करोगे इसका। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के लिए। ठीक है, ये तो होती है आपके पास रूल्स की जो चीज आती है, कि ये रूल होते हैं जिनमें आपको चेंज करना है। ठीक है, आई बात समझ। अब इसको चेंज करना है, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ही सेड अलास आई एम इल, ही सेड अलास आई एम इल। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ही सेड। अब इसकी पहचान भी आप देख पा रहे हो, अलास वर्ड लगा हुआ है। आप इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि हमें यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सी लगानी है। पता है जब हमारे पास अलास है यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पर ये वाला साइन जो है ये हमारे पास जो है इसमें यूज हुआ है यानी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम दैट यूज करेंगे। ठीक है, माइंड में होना चाहिए। अब अलास के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया था, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो यहाँ पे यूज करेंगे आप ही। फिर सैड के लिए हम यूज कर लेंगे यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो। आगे आपके पास कंजंक्शन आपको बताई थी, दैट लगेगी। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है आई एम इल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास पर्सन दिए हुए ना, आई एम इल, तो चेंज हो जाएगा। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, किसकी अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ही लगा हुआ है तो दैट ही हो जाएगा। आगे ये पास्ट में है तो आपका टेंस भी चेंज होगा, एम है तो क्या हो जाएगा, वॉज। बिल्कुल सही प्रियंका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट ही वॉज इल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास चेंज हुआ। पर्सन चेंज करने आया आपको कि नहीं, अभी तो नहीं आ रही किसी को प्रॉब्लम पर्सन चेंज करने में? ये फर्स्ट पर्सन आपने देखा और इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। अगर सेकंड पर्सन होता तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेंस बनाकर हम आगे उसे यूज करते। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, दैट ही वॉज इल हो जाएगा, अलास वर्ड का हमने यूज कर लिया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो यू हैव डन वेल। करिए चेंज, द कैप्टन सेड ब्रावो ही हैड, You have done well. Bravo, you have done well. The captain said, Bravo, you have done well. The captain said, Bravo, you have done well. क्या हो जाएगा इसका चेंज करेंगे जब हम? The captain said, Bravo, you have done well. बताएंगे? शाबाश, इजी है, बताएंगे फटाफट से। द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, इसका आंसर आप लोग ही देंगे, फटाफट से करेंगे सॉल्व। द कैप्टन सेड यू हैव डन वेल, इसका जो है क्या बनेगा चेंज करके?
कैप्टन सेड यू हैव डन वेल, इसमें आपके पास कुछ नहीं है जो ब्रागो है, आपने इसमें यूज करना है, एक्सक्लेम विद जॉय कर लेना है। तो यहाँ पर द कैप्टन अब सेड की जगह पर क्या कर लेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर दैट लग जाएगा। अब देखो यहां पर लगा हुआ है यू हैव डन वेल, ठीक है, ये तो आपने पहले भी विद जॉय दैट यू हैव डन वेल, ठीक है, आप आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सॉरी ब्रावो का यूज हुआ है, सॉरी 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 दैट माय फॉल्ट, मैंने ब्रावो का हुर्रे में चेंज कर दिया, ब्रावो है, अपलोडेड वाले सेइंग में करेंगे आप इसको, एक्सक्लेम्ड में नहीं करेंगे। द कैप्टन, अब देखो यहाँ पर इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखने की बात होती है जब आप ब्रावो का यूज करोगे। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, इसमें अपलोडेड डैश वाई सेइंग का मतलब क्या हुआ, आप वैसे ही लगा दो इसको जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, अपलोडेड डैश बाय सेइंग, आप ऐसे की ऐसे लिख लो, आगे आपने दैट लगा दिया, ठीक है। अब जो ये अपलोडेड डैश वाई सेइंग है ना, इसको आप देखोगे जब आप आगे चेंज करोगे उसके बाद आप यहाँ पर इसको फिल करोगे, उससे पहले आप आगे फिल कर लो, ठीक है, डैश बाय सेइंग हो गया दैट, अब इसके बाद जो है ही वॉज इल है, इसको सॉरी यू हैव डन वेल है, तो इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा दैट, अब यहाँ पर कैप्टन अपलोडेड डैश बाय सेइंग, ये सेकेंड पर्सन है यू हैव डन वेल, इसका तो आपको पता है अगर ये पास्ट में है तो ये क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा यहाँ पर, और आगे डन वेल तो आपके पास वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास सेकेंड पर्सन है यू, यू चेंज होगा आपके पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने क्या कर दिया, अब आप इसकी सेंस बना के देखो, देखो द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, कैप्टन ने कहा कि बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो या फिर आपने बहुत अच्छा किया, तो यहां पर क्या बनेगा, कैप्टन ने कहा कि वह बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, कैप्टन ने उसे कहा कि वह बहुत अच्छा कर रहा है, यहाँ पर एक की बात हो रही है, अब अकेला इंसान थोड़ी ना काम करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू हैव, यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो आप देख पा रहे हो प्लूरल को बता रहा है वो, तो वो अब यहाँ पर होता ना यू हैज, ध्यान देना इस चीज के लिए, अगर यहाँ पर यू हैज होता तो वो सिंगुलर के लिए यूज हो रहा होता, यहाँ पर हम ही यूज कर लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, वी हैड डन वेल, ठीक है, कि वी हैड डन वेल हो जाएगा, जैसे कैप्टन होता है ना ये मैच में, तो वो क्या होता है सारे इकट्ठे करते हैं ना कि बहुत बढ़िया हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वी हैड डन वेल हो जाएगा, यहाँ पर कैप्टन ने ये कहा। अब देखो जो हमने यहाँ पर यूज किया है ना इसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर है अपलोडेड यू बाय सेइंग, अपलोडेड यू बाय सेइंग जो है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा, अब यू होना चाहिए था ना, अब मैंने यू लगा दिया यहाँ पर, लेकिन ये क्या है गलत है, क्यों गलत है, अगर मैं इसको फिल कर देती ना कि डैश अपलोडेड, कई बार मान लो ना यू लगाया, सेंस बन रही है इसकी, कोई नहीं बन रही है ना, इस वाले को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, एक बार सुन लो फिर से बताती हूँ, ठीक है, सेंस बननी चाहिए, देखो द कैप्टन अपलोडेड यू बाय सेइंग, नहीं बन रही है ना सेंस, तो यहाँ पर जो आपने ये वाली चीज यूज की है ना इसी का आपने चेंज करना है, और दूसरा जो आपके पास रूप है वो लिखना है, अपलोडेड अस बाय सेइंग, द कैप्टन अपलोडेड अस बाय सेइंग, अस आएगा, हमें बोला गया है कि दैट वी हैड डन वेल, बात समझ आ रही है, जो आप यहाँ पर लिखोगे इसका जो उल्टा बनेगा, यानी कि यहाँ सब्जेक्टिव है जो इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा वो आप इस डैश बाय सेइंग में लिखोगे, इसीलिए यहाँ पर अपलोडेड डैश बाय सेइंग लिखा गया है, मैं दोबारा बताती हूँ ध्यान से सुनना, द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, इसको तो आपने जैसे आपके पास पर्सन चेंज होते थे आपने वैसे ही यूज किया, ठीक है, अगर सेकेंड पर्सन यहाँ पर होता तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ पर इसकी जगह पर उसको लिख देते, लेकिन सेकेंड पर्सन नहीं था तो हमने क्या कर दिया इसको चेंज किया सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक, फिर बात आती है अपलोडेड डैश बाय सेइंग, वैसे ही लिख दो इस वाली जगह को फिल मत करो, फिर जो यहाँ पर आप आगे यूज करोगे पर्सन उसका आपने उल्टा यहाँ पर लिख देना है, और बाकी आपके पास पूरा चेंज हो जाएगा।
वो लो बात समझ में आई कि नहीं आई। द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, ये वाला चेंज हो पाया कि नहीं, समझ आई कि नहीं आई। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए देती हूँ, आप मुझे फटाफट से चेंज करके बताओ। फटाफट से बोलिए चेंज हो पाया कि नहीं। अच्छा एक बात मुझे ध्यान में आई, ये जो मैंने आप लोगों को यहां पर करवाया है ना, द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, सॉरी ये ना दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके पास ना दोनों अलग अलग तरीके से चेंज होंगे। यू हैव डन वेल आपके पास तो चीज यही है, लेकिन ये चेंज होगा आपके पास अगर एक सब्जेक्ट है, एक में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके पास मेंशन नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को आप राइट डाउन नहीं करेंगे, दोनों में मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ कि दो आप लोगों को ब्रावो के सेंटेंस जो है लिखवाऊंगी, आपने वैसे चेंज करना है। एक क्वेश्चन तो आपके पास यही है, द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप सुनिएगा, द कैप्टन ही सेड टू अस, जो मैंने आपको चीजें अभी यहाँ पर बताई ना वो सारी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। द कैप्टन सेड टू अस आगे हो जाएगा, ब्रावो यू हैव डन वेल, ठीक है। सेंटेंस आपके पास पूरा सेम टू सेम ऐसा ही है, द कैप्टन सेड टू अस ब्रावो यू हैव डन वेल, ठीक। नीचे भी आपके पास यही था। अब देखो इस बात को ध्यान में देना, मैंने ना आपको ऊपर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करा दिया ये। अब यहाँ पर ध्यान देना कि कैसे होगा ये, जो हम पहले कर रहे थे ना यहाँ पर, द कैप्टन अपलॉडेड यू बाय सिंह, वो आपके पास सही आ रहा था। क्यों सही आ रहा था वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आंसर जो है ना इनके ऊपर नीचे हो गए, जो मैंने आप लोगों को बताया, बस इतनी सी गड़बड़ है, बाकी सारा कुछ सही है। पहले आप इसको चेंज करने की कोशिश करो, सैड की जगह पर हम क्या करेंगे कि अपलॉडेड डैश बाय सेइंग दैट, ठीक है ये हो गया। अब देखो यहाँ पर है सेकंड पर्सन, मैंने आपको बोला था कि अगर सेकंड पर्सन लगा हुआ है तो वो चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर, अस लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या लगा हुआ है हमारे पास, अस लगा हुआ है। तो जब यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आप इसको यूज करोगे, ये हमने कई बार पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब एज अ सब्जेक्ट हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे तो हम इस वाले का क्या लगाएंगे, डायरेक्ट आ सकता था लेकिन सेंस नहीं बनेगी, तो जो है आपके पास ये वाला जो आंसर है ना नीचे, ये सारा ये वाला होगा। ये ऊपर नीचे मैंने आप लोगों को करवा दिया था, तो प्लीज इस वाले के लिए सॉरी, ये ऊपर नीचे आपका आंसर हो गया है। तो ये किसका आंसर है आपके पास, इस वाले का, बस द कैप्टन नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा ही अपलॉडेड डैश बाय सेइंग जो था, तो डैश डैश को हम बाद में फिल करेंगे बाय सेइंग दैट, और ये वाला जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे और आगे तो आप लोगों को चेंज करना आता ही है, ठीक है। ये था इसका आंसर। इस वाले में क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो आप करोगे वहां पर इस वाली चीज को देखकर और इस वाली चीज को देखकर। तो मैं इसका आंसर रिमूव करती हूँ यहाँ से, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर देती हूँ। तो यहाँ पर भी सेम क्या होगा, पहले तो सेम आएगी चीज, द कैप्टन अपलॉडेड डैश बाय सेइंग, ठीक है, द कैप्टन डैश बाय सेइंग। अब जो ना ये वाला चीज थी इसका उल्टा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अस आ जाएगा, जो आपको पहले भी चीज बताई गई थी। आप इसका उल्टा यूज करो, चाहे आप जो है यहाँ पर अस लगा हुआ है तो अस का आपने अस यूज कर लिया, आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे चीज है आपके पास वैसे का वैसा ही हमने इसको यूज किया। अब देखना, द कैप्टन अपलॉडेड डैश बाय सेइंग, ठीक है, समझ आ रही है। पहले बात बताओ ये ऊपर वाली चीज समझ आई आप लोगों को, ये ऊपर वाली चीज समझ में आई, आप ये बताओ पहले। जो हमने चेंज करके देखा, ये इसके जो आंसर है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे मैंने आप लोगों को बता दिए थे,
ठीक है, बस इसको करेक्ट कर रहे हैं हम अभी, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है, फर्क ये है कि एक के पास ऑब्जेक्ट है और एक के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वही चीज हमने यहाँ पर फिल करनी सीखनी है। द कैप्टन अप्लॉडेड डैश बाय सेइंग, ये आपने चेंज किया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कैप्टन अप्लॉडेड डैश बाय सेइंग, अब यहाँ पर डैश बाय सेइंग को वैसे ही रख दो, दैट हो गया, आगे आप लगा लोगे दैट, ठीक है। आगे क्या लगा देंगे हम, दैट लगा दिया कॉमा इनवर्टेड कॉमा उसको रिमूव करने के लिए। अब हमने क्या कहा, यू हैव डन वेल बोला, कि अब देखो प्लूरल को शो कर रहा है वो, यू हैव डन वेल, कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब हम इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे, कैप्टन ने कहा कि वे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कैप्टन ने कहा कि वे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, वो मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग बता दिया था कि जब आपके पास ये होगा तब वो सेंस बनेगी, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, कैप्टन ने कहा ब्रेवो, बहुत बढ़िया, यू हैव डन वेल, कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली क्या बनेगी बात, कैप्टन ने कहा कि वे सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वे सब के लिए क्या यूज करेंगे, दैट दे लग जाएगा यहाँ पर, और आगे हो जाएगा हैड डन वेल हो जाएगा, दैट दे हैड डन वेल। अब जैसे यहाँ पर आपके पास जो है ये वाली जो चीज यहाँ पर लगी थी ना, वी था आपके पास यहाँ पर, ठीक है, तो आप सॉरी यहाँ पर वी था, वी का हमने यहाँ पर क्या लगा दिया था, अस में चेंज कर लिया था, कर दिया था ना। अब यहाँ पर जो आपके पास यूज होगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जेक्टिव था, तो हमने ऑब्जेक्ट के लिए ये यूज किया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, द कैप्टन अपलोडेड किसको, द कैप्टन अपलोडेड डैश बाय सेइंग, तुम्हें कहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा, यू बाय सेइंग दैट दे हैड डन वेल, ठीक है, समझ आ गई बात। जो यहाँ पर आगे चेंज होके ये वाला था ना, इसकी जगह पर हमने यही लिख लिया, यहाँ पर जो बना था उसके अकॉर्डिंग लिखा, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ताकि आप इसको थोड़ा बहुत समझो, सिर्फ ब्रेवो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा समझने वाला होता है, बाकी तो आप इजीली जो है वो अच्छे से सारी चीजें कर लोगे, ठीक है। ब्रेवो का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा समझिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो वो बता दो, जो लास्ट में कंफ्यूजन हो सकता था वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, बट अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो आप बता सकते हो, क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करिए, लास्ट में जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कुछ क्वेश्चंस मैं भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फटाफट से ना हैशटैग सेंड कर दीजिए अगर सबको समझ में आ गया है, चलिए ठीक है, ओके। आदित्य, प्रियंका, पीके, ओके, सुलक्षणा, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के जो आंसर रिप्लाईज हैं वो क्लास में मिलते हैं, बट ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।